एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम ग्रहों के द्वारा विदेश यात्रा का क्या योग संबंध बनता है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा देखने में आया है कि सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, ये जब यात्रा से भावों से कनेक्टेड होते हैं तो विदेश यात्रा करवाते हैं, और उनका विदेश में कौन से जगह लेके जाएगा उसकी जानकारी भी प्राप्त तो की जा सकती है। जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह का संबंध अमेरिका से बनता है, सूर्य ग्रह का संबंध जापान से बनता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि ग्रहों के हिसाब से भी जातक कौन से देश में जा सकता है, इसका थोड़ा आइडिया होता है। उसके साथ में उसकी राशि से भी, जैसे बुध ग्रह की राशि है मिथुन, मिथुन ग्रह का हम कुंडली में अगर विश्लेषण करें तो हमने पाया है कि जो जातक का मिथुन राशि वाले होते हैं वो बलवान होने पर, विदेश यात्रा का योग होने पर, और बुध बलवान होने पर जातक अमेरिका की यात्रा करता है। बुध जो है कंप्यूटर का कारक भी है, तो कंप्यूटर के काम के लिए जातक या तो पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए या व्यापार के लिए जातक विदेश यात्रा करता है। तो आप इसको हम कैसे जाने, देखो आप, हम एक कुंडली दिखा रहे हैं उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ पे जैसा बताया कि जनरली देखो छोटी यात्राओं के लिए तीसरा हाउस देखते हैं, वो बताया आपको पहला दूसरा तीसरा हाउस। लंबी यात्रा के लिए आपको नवम भाव देखना चाहिए, और विदेश यात्राओं के लिए 12 भाव भी देखते हैं। जब इनके स्वामियों का संबंध एक दूसरे से स्थान परिवर्तन आदि से बनता है, और यात्रा कारक ग्रह जो चंद्रमा है, शनि है, राहु है, गुरु है, इनसे बनता है तो जातक विदेश यात्राएं करता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या आप अमेरिका में जाएंगे या करेंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे आदि के लिए। देखो हम यहाँ नवम भाव में मिथुन राशि है, तो हमने जैसा बताया कि अगर मिथुन राशि यहाँ पे है और इसका स्वामी जो बनता है बुध, वो छोटी यात्राओं के घर में बैठा है, और साथ में केतु सूर्य भी हैं जो यात्राओं के लिए कारक हैं, तो ये जातक जरूर ये हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए जातक जरूर वहाँ पे अमेरिका जाएगा और वहाँ पे अपना हायर एजुकेशन लेगा। इसी तरह सूर्य के बारे में यह है कि मान लो सूर्य जो है ग्रह है, उसके लिए हम अगर कुंडली में देखें तो सूर्य पूर्व की दिशा की यात्रा करवाता है, तो पूर्व में जापान है। तो जापान में के लिए लोग जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान होता है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो सूर्य सूर्य घर का मालिक, ये 11वां घर का मालिक बन के सूर्य यात्राओं के घर में बैठा है। तो अगर यही सूर्य जो है इसका संबंध तीसरे भाव से बना हो, ठीक है, वैसे ही नवम भाव से बने या 12वें भाव से बने, इनके स्वामियों से बने, तो जातक का जापान की ओर इसका रुझान ज्यादा रहेगा, और जातक जापान में जाके अपना कार्य क्षेत्र करेगा। अगर वो पढ़ाई के लिए जाएगा तो उसका संबंध नवम भाव से बनेगा, नौकरी के लिए जाएगा तो 6ठे भाव से बनेगा, अगर व्यापार वगैरह के लिए जाएगा तो उसका संबंध 10म भाव से बनेगा। मतलब नवम भाव के स्वामी से बनेगा, पांचवें भाव के स्वामी से बनेगा और 10म भाव के स्वामी बनेगा, और सूर्य का संबंध बनेगा, तो जातक जापान उस उद्देश्य के लिए जाएगा। इस तरह से जाना जा सकता है, थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि जातक विदेश में कौन से जगह जा सकता है, अमेरिका जाएगा, जापान जाएगा, ब्रिटेन जाएगा आदि का थोड़ा आइडिया हो सकता है। हम उदाहरण के लिए हम देखें ब्रिटेन, जर्मनी आदि के लिए मेष राशि को देखते हैं। जैसे मेष राशि इसमें ये 1 नंबर है, अगर मेष राशि का संबंध यात्रा वाले भाव तीसरे 9वें 12वें से बने हैं और आपका मंगल अच्छा बलवान हो, तो जातक
ब्रिटेन, जर्मनी आदि में जा सकता है। अमेरिका, कनाडा आदि के लिए मिथुन राशि के बारे में जैसे हमने बात की है तो उसमें जा सकता है। रूस, चीन आदि के लिए कुंभ राशि का इस तरह से संबंध बने, नवम भाव से कुंभ राशि हो और इनके स्वामी का जो संबंध अगर वो बनता है तीसरे भाव से, बारहवें भाव से, तो जातक रूस और चीन की यात्रा कर सकता है। इस तरह से हम जो विदेश यात्रा के कारक देखते हैं, अगर उसके साथ ग्रहों का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इस तरह से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आदमी जातक कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे कि बुध ग्रह है वो उत्तर की तरफ लेके जाता है, गुरु ग्रह ईशान की तरफ लेके जाता है, सूर्य पूर्व की ओर ले जाता है, शुक्र आग्नेय की तरफ जाता है, मंगल दक्षिण की ओर जाता है और शनि पश्चिम की ओर। तो इस तरह से आपकी जगह से शनि का प्रभाव होगा तो पश्चिम में कौन से देश आते हैं उसको देखना चाहिए। पूर्व में सूर्य का प्रभाव है तो पूर्व में कौन से देश आ रहे हैं उनको देखना चाहिए। और इस तरह से आप अपना कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आप खुद को अपनी कुंडली देखिए और जिस तरह से हमने बताया उसका उसमें योग देखिए, ये योग बनते हैं तो आप अपना इरादा जो भी है उसके लिए आप ठीक कर सकते हैं। मतलब वैसे आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप देखिए कि बुध ग्रह जो है वो यात्रा वाले ग्रहों से उनका संबंध हो तथा एक दूसरे से राशि परिवर्तन करें, तो जातक अमेरिका में जाके या तो पांचवें भाव से संबंध होगा और नौवें भाव से होगा तो हायर स्टडी के लिए जाएगा, दसम भाव से होगा तो व्यापार के लिए जाएगा, छठे भाव से होगा तो नौकरी के लिए जाएगा। इस तरह आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हंसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको मामले से दक्षिणा जरूर देना पड़ेगी। साथ साथ में आप मेरे को अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा वीडियो देखा।